मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट सूजी ढोकला बिना इनो या फ्रूट सॉल्ट के। बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही स्पॉन्जी है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने लिया है सूजी एक कटोरी, दही आधा कटोरी, नमक और शक्कर हाफ हाफ स्पून, एक इंच अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च खाने का सोडा, धनिया पत्ती और घिसा हुआ नारियल। उसके बाद तेल है, हल्दी ऑप्शनल है, तड़का लगाने के लिए जीरा, एक स्पून तिल्ली है, आधा स्पून सरसों है, उसके बाद एक करिया पत्ती का स्ट्रिप है और सूखी लाल मिर्च है। मैं बर्तन लेके इसमें डाल रही हूँ एक कटोरी सूजी, उसके बाद आधी कटोरी दही, हाफ स्पून नमक, हाफ स्पून शक्कर, यहाँ पे नमक शक्कर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसमें हमें पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, हमें एक साथ नहीं डालना है। कटोरी में पानी लेके दिखा रही हूँ, पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी। यहाँ पे एक कटोरी सूजी में आधा कटोरी दही और आधा कटोरी पानी लगेगा। हमें सूजी के बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, अदरवाइज ढोकला अच्छा नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं आधा कटोरी पानी लगा। अब मैं इसको ढक के रख रही हूँ 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गया, आप देख सकते हैं ढोकला का बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, उसके बाद 2 स्पून ऑयल। ऑयल डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके दूसरी तरफ मैं रखूँगी कढ़ाई, कढ़ाई में रखूँगी पानी। पानी स्टैंड रख के पानी डाला है, इसको मैं बॉईल होने रख रही हूँ। जब तक ये हमारा पानी बॉईल होता है, हम लोग जिसमें ढोकला बनाएंगे उसको तेल लगा के ग्रीस कर लेते। यहाँ पे मैंने केक का टिन लिया है, आप स्टील का बर्तन या जो है वो यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने आधा स्पून खाने का सोडा लिया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 स्पून पानी। सोडा हमें डायरेक्ट नहीं डालना, यहाँ पे मैंने इनो नहीं यूज़ किया, यह हमारा नॉर्मल सोडा है जो हम लोग भजिया या पकौड़े बनाते समय यूज़ करते हैं। अब ये प्रोसीजर हमें एकदम फास्ट करना है। जैसे ही सोडा डालेंगे हमें बैटर को ज़्यादा देर नहीं रखना है, तुरंत मिक्स करके तुरंत ग्रीस किए बर्तन में डालना है, अदरवाइज ढोकला अच्छे से फूलेगा नहीं। मैंने इसको ग्रीस किए बर्तन में डाल दिया है। डाल के अब मैं इसको रखूँगी कढ़ाई में। कढ़ाई में रख के इसको बिना इसको ढक के 5 मिनट तक पकाना है, बीच में हमें ढक्कन नहीं खोलना है। अब मैंने इसको रख दिया है कढ़ाई में, कढ़ाई में रख के ढक रही हूँ, 5 मिनट पकने दूँगी। मिनट हो गया, आप देख सकते हैं ढोकला काफ़ी अच्छे से फूल गया। मैंने चाकू डाला, चाकू में लगाने, इसका मतलब हमारा ढोकला बन गया है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैं इसे इसी बर्तन में ठंडा होने दूंगी। अब मैंने ठंडा होने दिया, इसको निकाल रही हूँ साइड से। अब मैं इसको पलटी की हूँ प्लेट में। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से बना है, एकदम फुला फुला और स्पॉन्जी। अब मैं इसको काटूँगी, काट के अब मैं इसमें लगाऊँगी तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने रखा है तड़का वाला पैन। मैंने इसमें डाला है 1.5 स्पून ऑयल। 1.5 स्पून ऑयल डाल के जैसे गर्म हो गया, इसमें 1/2 स्पून जीरा, 1/2 स्पून सरसों, सूखी लाल मिर्च डाल के मैं इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। ये जो ढोकला है बहुत जल्दी बनता है, जब हमें कुछ अच्छा खाने का मन हो और टाइम ना हो तो बस ये ढोकला बनाओ और हरी चटनी के साथ खाओ, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लगेगा। अब मैंने डाला है करिया पत्ती। करिया पत्ती डाल के अब मैं इसमें डालूँगी तिल्ली। तिल्ली 1 स्पून यूज़ किया है। तिल्ली डालते साथ ये तेल में फूटता है, तो थोड़ा सावधानी से यहाँ पे हमको करना है। अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी अराउंड 2 स्पून ऑयल, सॉरी पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, गैस का फ्लेम ऑफ करके डालना है, अदरवाइज ये पूरा उड़ जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच जितना शक्कर और 1 पिंच जितना नमक। अब गैस का फ्लेम ऑन करके एक बॉईल आने दिया। जैसे एक बॉईल आया मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ऑफ करके अब मैं इसको डालूंगी ढोकले के ऊपर। बस हमारा ढोकला बनके रेडी है। मैं इसे सर्व करूंगी पुदीना चटनी के साथ। पुदीना चटनी, टमाटो सॉस, दही किसी के भी साथ खाओ, ये ढोकला बहुत टेस्टी लगेगा। पुदीना चटनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी मैं गार्निश कर रही हूँ धनिया पत्ती और सूखा नारियल के साथ। आप भी ये टेस्टी ढोकला बनाइए और बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।